विद्यालय में खाना बना रही छात्राओं का वीडियो हुआ वायरल। छात्राओं से खाना बनवा रहे अध्यापक। विद्यालय का प्रधानाचार्य एबीएससीएम महुआ का बताया जा रहा सहयोगी। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने दिए जांच के आदेश। आपको बता दें कि पूरा मामला खंड शिक्षा अधिकारी महुआ अंतर्गत अकबरपुर गांव का है, जहां के दम्मा पूर्वा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 की छात्राओं से खाना बनवाया जा रहा है। प्रजातंत्र टीवी ने इस पर जिलाधिकारी से बात की तो डीएम ने जांच के आदेश दिए। विद्यालय में खाना बना रही छात्राओं का वीडियो हुआ वायरल। छात्राओं से खाना बनवा रहे अध्यापक। विद्यालय का प्रधानाचार्य एबीएससीएम महुआ का बताया जा रहा सहयोगी। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने दिए जांच के आदेश। आपको बता दें कि पूरा मामला खंड शिक्षा अधिकारी महुआ अंतर्गत अकबरपुर गांव का है, जहां के दम्मा पूर्वा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 की छात्राओं से खाना बनवाया जा रहा है। प्रजातंत्र टीवी ने इस पर जिलाधिकारी से बात की तो डीएम ने जांच के आदेश दिए। मेरे संज्ञान में प्रकरण नहीं है, अभी आप बता रहे हो तो मैं जरूर आज ही इसकी जांच करवा लूंगा, और अगर ऐसी बात है तो जो खाना बनवा रहा है उसके विरुद्ध कार्रवाई। तो इसी खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राम जी। राम जी बताएं क्या है पूरी खबर। रश्मि आपको बता दूं कि ये महुआ ब्लॉक अंतर्गत एक अकबरपुर गांव पड़ता है, उसके अंतर्गत एक दम्मा का पुरवा है, जहाँ पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ छात्र छात्राओं से मिड डे मील का भोजन बनवाया जाता है। गांव के एक जागरूक व्यक्ति ने वहाँ पे वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया। जब हमने इस बारे में जिलाधिकारी अनुराग पटेल से बात की तो उन्होंने तत्काल बीएसए बांदा को फोन से कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके इसकी तत्काल जाँच कराए और जाँच करा करके मुझे उससे सूचित करें। खंड शिक्षा अधिकारी जब जांच करने गए तो अभी मेरी चूंकि शाम में ही उनसे वार्ता हुई फोन पर, तो उन्होंने बताया कि वो छात्राएं उस स्कूल की नहीं थी, जबकि रसोईया की तबीयत खराब थी तो वो उसके बदले में खाना बनाने आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर वो नाबालिग छात्राएं जो है वो स्कूल में कैसे खाना बना रही थी। अगर वो स्कूल की छात्राएं नहीं है तो फिर ऐसे नाबालिग छात्राएं अगर भोजन बना करके कि इतने स्कूल के बच्चों को खिलाएंगी, ऐसे में कोई घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस पूरे मामले की जानकारी जब हमने फिर बीएसए को फोन करके उनसे जानना चाहा तो बीएसए ने कहा कि जो हमें जांच रिपोर्ट मिली है बीएसए के द्वारा, हम उसी पर कार्रवाई करेंगे, जिससे साफ साफ प्रतीत होता है कि जिलाधिकारी अनुराग पटेल की आंखों में धूल झोंक करके एबीएसए अपने प्रधानाचार्य को बचाना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए।